जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। बेटा, मैंने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी भाषा और व्याकरण के बारे में। वो वीडियो एक बार आप दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैं उसका आज अभ्यास करूंगी। भाषा किसको कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान। हमारे मन में कुछ विचार होते हैं जो हम किसी के साथ बांटते हैं, वो विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार की भाषा हुई। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भाषा का कौन सा रूप है बेटा? मौखिक रूप। दूसरा रूप है लिखित, जो हम लिखते हैं वो होता है भाषा का लिखित रूप। और तीसरा होता है सांकेतिक। वैसे सांकेतिक भाषा का रूप इतना प्रचलन में नहीं है। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसमें इशारे किए जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले को, जो सिर्फ इशारे करता है, वो बोलता नहीं है। छोटा बच्चा होता है, वो भी संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा समझाता है, वो भी बोल नहीं पाता। इस प्रकार से पशु पक्षी होते हैं, वो बेचारे कुछ ध्वनियां निकालते हैं, उनकी भाषा तो होती नहीं है। पशु पक्षियों की भाषा थोड़ी होती है, वो वैसे ही ध्वनियों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार आज मैं आपका पुस्तक में से अभ्यास करूंगी भाषा और व्याकरण का, वो बेटा इस प्रकार से है। बेटा ये हम पहले कर चुके हैं अच्छे से, जिसे भाषा किसको कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा। ऐसे ही पशु पक्षी ध्वनियों के द्वारा अपने बातचीत करते हैं अपने पशु पक्षियों से। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह रूप है जिससे हम बोलकर और कानों से सुनकर करते हैं, वो मौखिक भाषा। जैसे बातचीत हो गई, भाषण, कहानी सुनना आदि। लिखित कौन सा हो गया? जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, इसमें पत्र लेखन, निबंध, समाचार पत्र आदि। और भाषा का जो तीसरा रूप है सांकेतिक, वो इतना प्रचलन में नहीं है बेटा। लिपि किसको कहते हैं? भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की जो प्रणाली है, उसको हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण किसको कहते हैं? जो हम भाषा का शुद्ध रूप पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसको व्याकरण कहते हैं। मान लो राम खाना खाती है, ये अशुद्ध रूप हुआ ना, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं है। राम खाना खाता है, ये शुद्ध वाक्य है। इस वजह से व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे बेटा। पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के उचित उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, हम एक दूसरे के मन की बात अथवा विचार जान सकते हैं। पहला है लिखकर, दूसरा है बोलकर और सुनकर, तीसरा है पढ़कर, चौथा है इन सबके द्वारा। तो उत्तर कौन सा आएगा? इन सबके द्वारा। फिर है बेटा, लिपि किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा, किसी भाषा के लिखने के ढंग को। किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हम यहाँ निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण से हम सीख पाते हैं? इसका उत्तर है, सही बोलना, सही पढ़ना, सही लिखना, ये सब। तो ये सब आएगा इसमें, क्योंकि हम व्याकरण से सही बोलना, पढ़ना, सही सही लिखना, तो ये सब आएगा इसमें। फिर है बेटा प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। फिर है बेटा प्रश्न, उर्दू भाषा की लिपि है? उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है? फारसी। फिर प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है? कौन सी लिपि है पंजाबी भाषा की? गुरुमुखी। गुरुमुखी पे निशान लगाएंगे। फिर है बेटा, कश्मीर की भाषा का नाम है कश्मीरी। कश्मीरी पे निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न है, महाराष्ट्र की भाषा का नाम है मराठी। फिर प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। पहला है,
मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का साधन भाषा है, सही। दूसरा है, पशु पक्षियों के मुख से निकली ध्वनियों को भी भाषा कहा जाता है, गलत। क्योंकि पशु पक्षियों के तो बेचारों की कोई भाषा ही नहीं होती, वो तो सिर्फ ध्वनि निकालते हैं। भाषा के चार रूप हैं, गलत। तीन रूप हैं, वैसे मुख्य तो मौखिक और लिखित है, वैसे तीन है। फिर है बेटा, संसार के विभिन्न देशों में एक ही भाषा बोली जाती है, गलत। काफी भाषाएं बोली जाती हैं। जिस भाषा को हम मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर हम समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, सही। फिर बेटा, यह नीचे कुछ भाषाओं के नाम घुल मिल यानी मिक्स हो गए हैं, उन्हें छांटकर उचित वर्ग में लिखिए। ये है बेटा, इसमें ये मिले हुए हमें आपस में इनको अलग लिखना है, भारत की भाषाएं और अन्य देशों की भाषाएं। पहले आएगा बांग्ला, फिर कश्मीरी, फिर आएगा असमिया, फिर आएगा पंजाबी, फिर आएगा तमिल, अन्य देशों की भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन, इतावली। ये हमें इसमें से छांटकर लिखना है। फिर है बेटा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, दादी हमें कहानी डैश है सुनाती। दूसरा है बेटा, मेरा भाई खेलने चला डैश गया। तीसरा है, मामा जी मेरे लिए रसगुल्ले लाए। फिर चौथा है, कल बहुत बारिश डैश हुई। इस प्रकार बेटा, ये भाषा और व्याकरण वाला अध्याय हम पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में ही करने हैं। बच्चों, आज हमने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भाषा और व्याकरण वाला अध्याय एक बार फिर से करवाया है। इसकी वीडियो हम शुरू में भी डाल चुके हैं। इस पाठ को आपको अच्छे से करना है और इसका अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में ही करना है। बेटा, आज की सीख है, हमें जीव जंतुओं के प्रति हमेशा दया दिखानी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भारत माता की जय हो।